कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिससे आपको अमीरी और गरीबी का पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार एक धनी व्यक्ति अपने बच्चों को गरीबी और अमीरी का पाठ पढ़ाने के लिए गांव में ले गया ताकि उसके बच्चे देख सके कि गरीबी क्या होती है। अमीर व्यक्ति के साथ उसके दोनों पुत्र थे। गांव में एक पूरा दिन और रात बिताने के बाद अमीर व्यक्ति अपने बच्चों के साथ शहर लौट आया। घर आकर उसने बच्चों को एक एक करके उनका अनुभव जानने का प्रयास किया। वह अपने पहले पुत्र के पास गया और उसने पूछा, बेटा तुम्हें कैसा लगा उस गांव में समय बिताकर, उनकी गरीबी देखकर? पिता की बात सुनकर पुत्र बोला, पिताजी गरीब बहुत ही भयानक है। उनके घर में ना ही कुत्ता है और ना ही स्विमिंग पूल है। उनके पास तो घूमने के लिए गार्डन भी नहीं है। वाकई में पिताजी हम बहुत अमीर हैं। पिता ने अपने पुत्र के जवाब को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर उसने अपने दूसरे पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हें कैसा लगा उस गरीब गांव में समय बिताकर? पिता की बात सुनकर दूसरा पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी हम लोग कितने गरीब हैं। हमारे पास एक कुत्ता है जबकि उनके पास चार चार हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जबकि उनके घर के पीछे तो पूरी नदी है। हमारे पास घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है जबकि उनके पास तो पूरा प्राकृतिक जंगल है। वाकई में पिताजी हम बहुत गरीब हैं। पिता को अपने पुत्र की बात समझ आ गई और वह समझ गया कि जीवन में सारा खेल नजरिए का है। हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं वह हमें वैसी ही लगती है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ही देखना चाहिए। पानी का गिलास आधा खाली है या भरा, इसका निर्णय हमें ही करना है।